वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज का टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक को करते हुए पहले तो हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे। खैर डिस्कशन तो अब हम इसको बोल नहीं सकते, लेकिन मैं जनरल जो आपको इसके बारे में जो जानकारी देनी होगी वो दूंगा कि बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता क्या है। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने बड़ी बार पढ़ा होगा, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इसके अलावा बताऊंगा कि क्या रॉ मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं। इसके अलावा बताऊंगा कि वो रॉ मटेरियल जो चाहिए होते हैं वो कहां से और कैसे प्राप्त करता है एक प्लांट। फिर फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में होता है और मेन इवेंट्स कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस में, हम ये भी जो है वो डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद मैं दो मेजर टॉपिक्स जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, उनकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस एक बार दोबारा से आपको समझाऊंगा। और बीच में एक टॉपिक मैं आपको और बताऊंगा, वो है स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा किस तरह से फंक्शन करता है, उसका क्या फंक्शन होता है, ये भी हम बीच में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि ये टॉपिक मेरे ख्याल में पहली बार आपने सेवंथ में पढ़ा होगा, लेकिन जो भी है सिंस ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए कोशिश करेंगे किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को हम मिस ना करें। तो चलते हैं, टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स शुरू करने के साथ ही मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड। नाउ फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस प्रोड्यूस। प्लांट्स बीइंग ऑटोट्रोफ इन नेचर, दे आर ऑटोट्रोफ, दैट मींस दे आर प्रोड्यूसर्स। ओके, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, एंड टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड लाइट की जरूरत होती है। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को नाम ही फोटोसिंथेसिस दे चुके हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है वो तो आपको पता लग गया। क्या रॉ मटेरियल्स में चाहिए होता, मैं पहले आपको बता दूं, रॉ मटेरियल जो इसमें चाहिए है, रॉ मटेरियल में सबसे पहले सनलाइट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले इसमें सनलाइट चाहिए होगा रॉ मटेरियल में। दूसरी चीज जो चाहिए है वो है क्लोरोफिल। ओके, पहली चीज चाहिए सनलाइट, दूसरी चीज चाहिए क्लोरोफिल, तीसरी चीज चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइट की हेल्प से प्लांट्स जो हैं सनलाइट की हेल्प से अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर ऑटोट्रोफ्स, एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। बट नॉट ओनली सनलाइट, उनको क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, और इसके अलावा उनको वाटर की भी जरूरत होती है। बिना वाटर के भी ये प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इज सनलाइट। ओके, सेकेंडली दे नीड क्लोरोफिल। नाउ क्लोरोफिल के बारे में आपको ये बता दूं, ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है जो लीव्स में मौजूद होता है या ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होता है प्लांट्स के। और ये क्या करता है, ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है जी, तो क्लोरोफिल के केस में जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट के अंदर स्टोमेटा के रास्ते एंटर करता है। स्टोमेटा, ओके, प्लांट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीफ। ठीक है जी, तो मैं आपको जरा स्टोमेटा के बारे में बता दूं। स्टोमेटा बेसिकली क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा।
टाइनी पोर्स, दीज आर टाइनी पोर्स जो प्लांट के एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं या प्लांट के स्टेम के एपिडर्मिस में या प्लांट लीफ के एपिडर्मिस में या स्टेम के एपिडर्मिस में ये मौजूद होते हैं एंड दे हेल्प इन गैशियस एक्सचेंज. ओके दे हेल्प इन, तो मैं रिपीट करता हूं, स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा टाइनी पोर्स हैं जो कहां पर मौजूद होते हैं? एपिडर्मिस ऑफ प्लांट लीफ और स्टेम. और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैशियस एक्सचेंज. और दूसरा एक और फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन बेसिकली लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, बॉडी में जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसके लॉस को हम बोलते हैं, वी कॉल इट ट्रांसपिरेशन. ठीक है जी, तो चलते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं. स्टोमेटा क्या है? दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और स्टेम थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस. ओके, तो कोई फंक्शन भी होता होगा स्टोमेटा का, तो हम वो भी बात कर लेते हैं. फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो मैंने आपको बताया पहला फंक्शन तो वही है गैशियस एक्सचेंज. ओके, इसका पहला फंक्शन तो वही है गैशियस एक्सचेंज और दूसरा फंक्शन इसका ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन जो है वो मैंने आपको अभी बताया, ट्रांसपिरेशन जो है बेसिकली लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा. अब मैं स्टोमेटा के बारे में एक चीज आपको बताता हूं. स्टोमेटा जो है वो इस तरह से बीन शेप में होता है ऐसे. ओके, इस तरह से. ओके, तो ये बीन शेप में है, आप देखिए बनाना कैसे है. ओके, और यहां से ये टच होगा ऐसे. ठीक है जी, तो ये स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको बताया, जरा देख लें आप. ओके, और स्टोमेटा मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बनाने में. तो इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट गार्ड सेल्स. ओके, दीज आर गार्ड सेल्स, इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं. गार्ड, जी यू ए आर डी, गार्ड सेल्स. ये तो न्यूक्लियस है, ये आपको पता ही होगा. ओके, दिस इज न्यूक्लियस. और ये जो है ये है स्टोमेटल पोर. ये स्टोमेटल पोर है और ये जो आपने बनाए हैं ये क्लोरोप्लास्ट है. ओके, और इनको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स. ठीक है जी, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे. ये स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको बताया. स्टोमेटा मेनली ये पार्ट है. ओके, स्टोमेटा के आसपास ये जो डॉट्स बनाए हैं या आपने छोटे छोटे, ये क्लोरोप्लास्ट है. ओके, और जिनके कारण स्टोमेटा होता है उनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स हैं. ओके, ये न्यूक्लियस है, इन सेल्स को हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स. तो मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं किस तरह से ये स्टोमेटा जो है वो काम करता है. स्टोमेटा अगर खुलेगा और बंद होगा वही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं
किसके लिए? वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए, मतलब स्टोमेटा का खुलना और बंद होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके खुलने और बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है गार्ड सेल है। मैं आपको बताऊं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल्ड बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। ओके, तो याद रखना है फर्स्ट पॉइंट, ओपनिंग क्लोजिंग कंट्रोल्ड बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, मतलब कितना टर्जिड है गार्ड सेल, इससे जो है वो कंट्रोल होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जब गार्ड सेल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये स्वेल हो जाता है, वो फूल जाता है, और फूलने के कारण क्या होता है, ये जो ओपनिंग होती है ये ब्रॉड हो जाती है। ओके, ये वाला पोर्शन जो है जिसको हमने स्टोमेटल ओपनिंग नाम दिया है, ये ब्रॉड हो जाती है। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। जो टर्जिडिटी होती है गार्ड सेल की, वो रिस्पॉन्सिबल होती है ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, और ये गार्ड सेल जो है ये ओपन और क्लोज होने के लिए जो वाटर एब्जॉर्ब करता है गार्ड सेल सराउंडिंग सेल से, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। अक्सर क्या होता है, सराउंडिंग से ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे स्वेल, एंड व्हेन दे स्वेल इट एनलार्जेस द पोर। ओके, इट एनलार्जेस द पोर, तो गार्ड सेल एब्जॉर्ब्स वाटर टू एनलार्ज द स्टोमेटा, स्टोमेटा को बड़ा करने के लिए। ये तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, आप इसी तरह से भी याद रखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज स्टोमेटा इज बेसिकली द फीचर ऑफ द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वॉटर फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड दे स्वेल, एंड वेन दे स्वेल दिस पोर एनलार्जेस, ये बड़ा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटल ओपनिंग। लेकिन अब इसका उल्टा भी होगा ना, When water is released, they shrink. इसको हम बोलते हैं stomatal closing. ठीक है, When water loss का मतलब क्या हो गया? Shrinking of stomata. Okay? Water loss का मतलब हो गया, water loss means shrinking of stomata. Okay? तो मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए एक बार दोबारा से। अभी तक हमने क्या पढ़ा? वी स्टडीड फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड देन वी स्टडीड अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ प्लांट लीफ और स्टेम, एंड गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, एंड हाउ डज इट फंक्शन, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, दीज आर गार्ड सेल, दीज आर क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटल पोर एंड न्यूक्लियस, एंड व्हाट हैपेंस, opening and closing is controlled by the turgidity of the guard cells. The guard cells ke spelling, guard ke spelling kya hote hain aapko pata hoga, GURD. Okay, to guard cells jo hai wo GURD, ye A hai. To guard cells kya hota hai, inki opening aur closing jo hai wo control hoti hai kiske karan, turgidity of guard cells ke karan. स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो कंट्रोल होती है किसके कारण? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स के कारण। तो टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स के कारण होती है ये। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, जब पानी जो है ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है, इट एनलार्जेस, इट स्वेल्स एंड द पोर ओपन्स। व्हेन द वाटर इज रिलीज्ड, इट लूजेस वाटर, देन व्हाट हैपेंस, दीज गार्ड सेल्स श्रिंक, एंड व्हेन दे श्रिंक, दिस इज एक्चुअली स्टोमेटल क्लोजिंग। स्टोमेटल ओपनिंग में एब्जॉर्ब करके वाटर ये स्वेल कर जाते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग ये उसका लॉस करके श्रिंक कर जाते हैं, स्टोमेटल क्लोजिंग। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी? सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की। मैं आपको एक बात बता दूं, हम ऐसा कह सकते हैं जिस प्रकार से सन जो है
उसके कारण ये दुनिया, ये धरती जो है टिकी हुई है। तो फोटोसिंथेसिस भी कोई आम प्रोसेस नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के कारण ही ये संसार जो है ये चल रहा है, हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के कारण ही पूरी हो पा रही हैं। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो ये फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी ही ना हो। तो पहली बात मैं आपको बताऊं, सिग्निफिकेंस हम पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। इसके कारण क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। सो जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस जो है वो आप बोल सकते हैं कि सोलर एनर्जी जो है इट इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। ओके, और दूसरी बात, ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। ऑल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। और जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो ग्रीन प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो है मेन प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन, ठीक है, ऑन देम फॉर फूड। ओके, तो सोलर एनर्जी जो है इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे बाय विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर टू डिफरेंट लिविंग बींग्स। अब देखो, सबसे पहली बात यह है, हम सूरज चमक रहा है तो प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं, प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं तो हम सर्वाइव कर रहे हैं। चाहे आप में से कुछ लोग वेजिटेरियन होंगे, कुछ नॉन वेजिटेरियन होंगे, वेजिटेरियन तो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और नॉन वेजिटेरियन इंसान या कार्निवोर्स एनिमल्स जो हैं वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं तो गोट उसको खा रही है, और कोई कार्निवोर्स है तो वो गोट को खा रहा है, तो वो इनडायरेक्टली प्लांट्स को ही कंज्यूम कर रहा है। ठीक है ना, तो प्लांट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अगर वो इंपॉर्टेंट है तो फोटोसिंथेसिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनकी सर्वाइवल के लिए, इसलिए फोटोसिंथेसिस हमारी सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो बैलेंस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में, बल्कि मैं तो कहूंगा वाटर वेपर का भी एटमॉस्फेयर में, ओके, बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड इवन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज एक्चुअली मेंटेन्ड बाय दिस प्रोसेस ओनली। तो बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब जो है अगर मेंटेन हो पा रहा है इस वातावरण में, इस एटमॉस्फेयर में, तो उसके लिए रिस्पॉन्स। अब हम बात करेंगे मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स जो हैं मेन लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये बाय क्लोरोफिल। तो मेन इवेंट में सबसे पहला मेन इवेंट जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल है, और दूसरी बात जो है उसके बाद जो है वो क्या होता है,
ये लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और इसके अलावा क्या होता है, एक और चीज याद रखना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर को स्प्लिट कर दिया जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयन, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और क्या होता है इसके अलावा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में स्प्लिट कर दिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है मैं आपको बता दूं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, दूसरा जो स्टेप है उसमें कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और तीसरे स्टेप में जो स्प्लिटिंग होता है वाटर का वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस में इट टेक्स प्लेस, फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो फोर्थ पॉइंट। एक मैं आपको बताऊं, ये जो सनलाइट क्लोरोफिल पर गिरता है या सनलाइट जो है क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है, उसके कारण क्या होता है, क्लोरोफिल एक्टिवेटेड हो जाता है, और इसी एक्टिवेशन के कारण स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, ठीक है। सनलाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल व्हिच लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है जी। सो फर्स्ट केस में एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल टेक्स प्लेस, देन लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स प्लेस, एंड देन व्हाट हैपेंस, मैंने आपको जैसा यहां पर बताया कि सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल जब एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्टिवेटेड हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, द हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय स्प्लिटिंग, वो जो हाइड्रोजन द हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड फॉर याद रखना है, फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो याद होगा आपको मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस, तो ये दो, ये वाला जो स्टेप था ये इसका रिलेशन इसके साथ है, और ये वाला स्टेप जो था इसका रिलेशन इसके साथ है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल टेक्स प्लेस, एंड व्हेन सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक्टिवेट्स, इट इज एक्टिवेटेड, एंड दिस लीड्स टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन आयन, the hydrogen ion is utilized for the reduction of carbon dioxide to produce carbohydrates, ठीक है जी। तो चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यहां पर बाय प्रोडक्ट होता है, याद रखिए ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट, ठीक है, ऑक्सीजन इज द, मैं पूरा लिख देता हूं, ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन यहां पर बाय प्रोडक्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। एक और बात याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट इज, वो जो कार्बोहाइड्रेट बना है, इट इज सब्सिक्वेंटली,
subsequently converted to starch. Okay, it is subsequently converted to starch and is stored in leaves and other storage parts. मैं रिपीट कर देता हूं, यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा. मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं. जो ऑक्सीजन है यहां पर बना था वो एक बाय प्रोडक्ट है, और उसका क्या इस्तेमाल है वो तो बताना मुझे लगता है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सब्सिक्वेंटली इट इज कन्वर्टेड टू स्टार्च, और यही स्टार्च जो है वो लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स में और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है ना. और यही स्टोर्ड फूड जो है वो बहुत पर्पसेस के लिए इस्तेमाल में लाता है, प्लांट्स के द्वारा भी इस्तेमाल में लाया जाता है, और हम लोग भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो मैं एक बार ये मेन इवेंट्स एक बार आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ. यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है सनलाइट की क्लोरोफिल से, और क्या होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब किया सनलाइट को और एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है, और एक्टिवेटेड फॉर्म में आने के कारण क्या होता है स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की. स्प्लिटिंग के दौरान जो है मैं आपको फिर से बता दूं, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन की फॉर्मेशन होती है. हाइड्रोजन आयन जो है वो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में यूज हो जाता है ताकि कार्बोहाइड्रेट्स बन सकें, और ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो बना था वो सब्सिक्वेंटली डिफरेंट पार्ट्स में लीव्स के जाकर स्टोर हो जाता है. और मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बता दूँ, मैंने अभी नहीं बताया. मैंने सोचा था कि ये मेन इवेंट्स होने के बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा. बड़ी बार आपने पढ़ा हुआ है वो है रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस के लिए जो इक्वेशन है. ओके, फोटोसिंथेसिस के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, बड़ी बार आपने पढ़ा हुआ है, वो आपको लर्न कर लेना है. 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर क्या होता है सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर. ओके, इसकी फॉर्मेशन होती है. ये है इक्वेशन जो यहां पर इन्वॉल्व होती है. मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं इसमें आपको बताऊं, दो तरह के रिएक्शंस जो हैं यहां पर मेनली जो है इन्वॉल्व होते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, बल्कि अभी मैं बताना चाहूंगा. ये दो तरह के रिएक्शंस जो हैं वो है लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस, ठीक है. मैं लाइट रिएक्शन के बारे में भी बताऊंगा और डार्क रिएक्शन के बारे में बताऊंगा. अब यही प्रोसेस जो है ये आप एक अलग तरह से पढ़ने जा रहे हैं, इसी को यही दोबारा से आप पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको अब ये बताऊंगा. इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में बात आएगी. तो लाइट डिपेंडेंट फेस क्या होता है, वैसे मैं इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन अब इसको आप समझे जो पहले पढ़ा है उसी को हम दोबारा से पढ़ रहे हैं. लाइट डिपेंडेंट फेस, कि लाइट डिपेंडेंट फेस में क्या होगा, इसको हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, वी कॉल इट हिल रिएक्शन, और वी ऑल्सो कॉल इट फोटोकेमिकल रिएक्शन. भाई मैं आरएक्शन लिख रहा हूं, लेकिन आपने आरएक्शन नहीं लिखना है, ठीक है, आपने रिएक्शन पूरा लिखना है, ठीक है जी. तो मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, ये फिनोमेना जो है ये कहां पर होता है मैं आपको बता दूं, ये क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड्स में होता है. थाइलाकॉइड्स इस तरह के ना ये स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, आपने देखा होगा, अगर आप क्लोरोप्लास्ट का फिगर कभी देखा होगा तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं वी कॉल इट थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड में ये होता है ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट क्लोरोफिल बिकम्स एक्साइटेड एंड एब्जॉर्ब्स फोटोन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. और फिर उसके बाद फोटोलिसिस होता है वाटर का, ये भी मैं आपको बता चुका हूं. फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, और दूसरा मैंने आपको बताया क्या, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होगा मैं आपको बताऊं, एनर्जी व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड इज यूज्ड इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन और OH- नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है,
और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज होते हैं। तो पहला पहला स्टेप जो है लाइट रिएक्शन का वो क्या है, वो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल है, और दूसरा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में एच पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज होती है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की प्रोडक्शन होती है, NADP बोलते हैं, NADP, इसका फुल फॉर्म अगर आपने लिखना हो तो वो होता है निकोटिन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है NADP का। तो प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें क्या, मैं आपको बता दूं फिर से, NADP पिक्स अप हाइड्रोजन आयन एंड इज रिड्यूस्ड टू NADPH, ओके। तो मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से, निकोटिन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट पिक्स अप द हाइड्रोजन आयन एंड इज रिड्यूस्ड टू NADPH। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। पहला स्टेप जो था एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, दूसरा स्टेप फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और चौथा स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में वो जो हाइड्रोक्साइड आयन था, कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, विच डिकम्पोजेस to form O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इस तरह से फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है। मैं रिपीट कर देता हूं, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल पहला स्टेप था, फिर फोटोलिसिस में एच पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हुई थी, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट था, जिसमें मैंने आपको बताया NADP जो है वो हाइड्रोजन आयन को, इस हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब करता है और NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, दैट OH नेगेटिव आयन विच इज फॉर्म्ड हियर, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O2 विच इज हाइड्रोजन परऑक्साइड विच डिकम्पोजेस टू फॉर्म O2, और फिर O2 की फॉर्मेशन होती है, और फिर मैं अगले स्टेप की के बारे में बताऊं, इसको हम बोलते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग ADP, आपने सुना होगा, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेस फॉस्फेट इंटू एनर्जी रिच कंपाउंड। किस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, एनर्जी रिच कंपाउंड, जिसको वी कॉल इट ATP जो है ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो यहां पर जो एडिशन होता है फॉस्फेट का, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। सिंस द एनर्जी यूज कम्स फ्रॉम लाइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन कन्वर्टिंग ADP इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड ATP बाय एडिंग वन फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है जी, तो ये जो अभी आपने पढ़ा, ये बेसिकली लाइट डिपेंडेंट फिनोमेना है, इसको लाइट रिएक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वी कॉल इट लाइट रिएक्शन टू। लेकिन अब जो हम डिस्कस करेंगे वो एक लाइट इंडिपेंडेंट फेस है, जिसको हम प्यार से डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, कैल्विन साइकिल या बायोसिंथेटिक फेस भी इसको कहते हैं। इट अकर्स इन द स्ट्रोमा, ये कहां होता है,
इट अकर्स इन स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में होता है और स्ट्रोमा में होता है। और मैं आपको इसके बारे में बताऊं एक बात, दिस फेज अकर्स साइमल्टेनियसली विद द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है, अकर्स साइमल्टेनियसली विद लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के साथ ये साथ साथ चलता है। और दिस फेज अकर्स साइमल्टेनियसली विद लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, द टाइम गैप बिटवीन द टू फेसेस इज लेस देन 1000 ऑफ सेकेंड, याद रखना है, मतलब जो टाइम डिफरेंस है दोनों रिएक्शंस के बीच में 1/1000 ऑफ द सेकेंड के गैप से भी कम गैप है इसका। और इस केस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय यूजिंग, क्या यूज करके, एटीपी को यूज करके और एनएडीपीएच को यूज करके, इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, दिस इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये स्ट्रोमा में होता है, ठीक है, जैसे लाइट रिएक्शन जो है आपको याद होगा थायलाकॉइड में हुआ था, ये जो है ये स्ट्रोमा में हो रहा है। और इट आकर साइमल्टेनियसली विद राइट रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय यूजिंग ATP and NADPH, ठीक है जी। तो मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा में होता है, लेकिन लाइट रिएक्शन का मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया वो कहां पर होता है, वो इट अकर्स इन थायलाकॉइड, ओके, मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बताया था, इनको हम थायलाकॉइड बोलते हैं, थायलाकॉइड। तो लाइट रिएक्शन थायलाकॉइड में होता है और डार्क रिएक्शन जो है वो कहां पर होता है, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा, ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने एक फिगर बनाई है जो इस पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है, आप देखिए ध्यान से, थायलाकॉइड में लाइट रिएक्शन हुआ और यहां पर वाटर की एब्जॉर्प्शन हुई और देखिए ट्रांसफॉर्मिंग लाइट फोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स टू एनएडीपीएच, इसके अलावा ऑक्सीजन जो है एक प्रोडक्ट की तरह बना यहां पर, ओके, यहां से एनएडीपीएच और एटीपी की फॉर्मेशन हुई जो आगे केल्विन साइकिल में इस्तेमाल हुआ, ठीक है, ग्लूकोज बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें देख लीजिए एब्जॉर्ब हो रहा है। ये सारा फिनोमेना जो है ये दोनों फिनोमेना के बारे में मैंने आपको इसके साथ बताया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपके लिए दोनों फिनोमेना जो है रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले लाइट डिपेंडेंट फेज की बात करते हैं, जिसको लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल टेक्स प्लेस और उसके कारण क्या होता है, फोटोलिसिस होता है वाटर में, साइड जो है इसका थायलाकॉइड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और प्रोडक्शन होती है रिड्यूसिंग एजेंट की, एनएडीपी जो है एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, ओएच नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होता है H2O2 में जो आगे डिकम्पोज होता है O2 में। फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है हेल्प करते हैं, दे कन्वर्ट एडीपी टू एटीपी। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये साइट इसका स्ट्रोमा है, इट आकर साइमल्टेनियसली विद लाइट रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय यूजिंग एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये सब था किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया होगा, मैंने एक सिंसियर एफर्ट किया आपको ये समझाने की और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, हमने सबसे पहले पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, वी स्टार्टेड इट, ओके, वी स्टार्टेड अबाउट फोटोसिंथेसिस, वी स्टार्टेड अबाउट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, देन वी स्टार्टेड अबाउट स्टोमेटा एंड देयर फंक्शन, देन वी ड्रू अ डायग्राम टू स्टडी स्टोमेटा प्रॉपरली, देन वी स्टडीड हाउ इट ओपन्स एंड क्लोज, ओके, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। फिर उसके बाद जो हमने स्टडी किया वो था मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट हमने डिस्कस किए, और मेन इवेंट जो हमने फोटोसिंथेसिस के डिस्कस किए उसमें हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा,
और ये मैंने डिटेल में आपको पूरा सीरीज वाइज पूरे प्रोसेस बताए। फिर मैंने इसी प्रोसेस को दो पार्ट्स में बांटकर बताया। उन पार्ट्स को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये दोनों हमने स्टडी किया। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट में एक डायग्राम के हेल्प से आपको ये सारा फिनोमेना जो था वो समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिए। अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर ही रहिए। गुड डे।